सो गाइस यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो के टाइटल से थंबनेल देखकर आप लोग इस वीडियो को ओपन किए ना, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग 2 मिनट तक रुक जाओ और इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लो। फाइनली यार जब भी मैं टिप्स आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग उसे अच्छे से फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं पक्का गारंटी देता हूं कि आज के बाद से गाइस आप लोगों को कोई भी बंदा यहां पे हारने वाला नहीं है। ओके गाइस, तो आप लोग इतना ओपी लेवल का यहां पे हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा यार। तो गाइस यहां पे आप लोग बिल्कुल क्या ही कतई जहर खेलने वाले। तो गाइस यहां पे मैं टुक्का नहीं मार रहा, गाइस मैं आप लोगों को पूरा रियली बता रहा हूं कि बिल्कुल आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ। बट यार इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना कि जिससे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आते हैं कि लाइव प्रूफ की बात हमने किया तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में जो गेम प्ले चल रहा है गाइस, उसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो एंड इसका एक एक स्टेप आप लोग अच्छे से फॉलो करो। फाइनली आप लोग को फॉलो करने के बाद यहाँ पे आप देखने के लिए मिल रहा कि बंदा अपना जस्ट एम लॉक भी नहीं करा, जस्ट अपना एम बस टारगेट भी नहीं करा, जस्ट अपना फायर बटन थोड़ा सा भी प्रेस करें उसका हर एक एम इसका एनिमी के माथे पर जाके लॉक हो जा रहा है, उसका हर एक शॉट एनिमी के हेड पर जा रहा है। ओके गाइस, तो ये कैसे हो रहा है फॉर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो गाइस, ये एक स्क्रिप्ट यूज करता है जिसका नाम है एम बॉट एंड जस्ट ये बंदा जब अपना फायर बटन प्रेस कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो एनिमी के हेड को भी नहीं आप लोग ये सेट कर रहा, बस जस्ट अपना फायर बटन प्रेस करना है इसका हर एक गोली सीधे एनिमी के हेड पर जाके लॉक हो जाना, इसका हर एक शॉट सीधे हेड शॉट ही जा रहा है। सॉरी फाइनली आप लोग यहाँ पे सोचते हो कि ये बंदा जस्ट अपना नॉर्मली गेम प्ले कर रहा है, तो फाइनली आप लोग का ये गलत सोच है, बंदा नॉर्मली गेम प्ले नहीं कर रहा, फाइनली ये स्क्रिप्ट का यूज कर रहा है जिसका नाम है एम बॉट। तो फाइनली आप लोग भी यूज कर सकते हो इस स्क्रिप्ट का, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगा, आप लोगों की आईडी भी सेफ रहेगी एंड कॉन्फिग 100% वर्क करेगा। ओके गाइस, तो ये आप लोगों का कॉन्फिग आप लोगों के फोन में एक सीकोड की तरह काम करता है जिससे आप लोगों के फोन में एक कोडिंग के थ्रू ये कॉन्फिग काम करता है जिससे आप लोगों की यहां पे आईडी भी सेफ रहती है एंड आप लोगों के कॉन्फिग 100% वर्क भी करता है। तो फाइनली इस कॉन्फिग फाइल का यूज आप अपने मेन आईडी में भी यूज करके गेम प्ले कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, ये कॉन्फिग 100% सेफ है। ओके गाइस, तो आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस बताते हैं कॉन्फिग कैसे अप्लाई का, बट एक छोटे से इंट्रो के बाद। फाइनली मोबाइल के स्क्रीन पे इस कॉन्फिग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो, जेटाचर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फिग को हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंड शेयर करेंगे, देन यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का पासवर्ड मांग रहा था, सिमिलर हम पासवर्ड फिलिप कर देते हैं, पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का कॉन्फिग फाइल कुछ इस तरह से हम लोग का एक्सटेंड शेयर हो रहे हैं, देन यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का कॉन्फिग थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार। तो अगर जो भी बंदा अगर चैनल पे नया जुड़ गया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। यहाँ पे देख सकते हम लोग का कॉन्फिग कुछ को सिंपली यहां पे पेस्ट करेंगे, टिक करके कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे। देन रिप्लेस करने के बाद फिर से आएंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे, डाउनलोड के ऑप्शन पे आने के बाद उस फाइल को ओपन करेंगे और यहां पे एमबॉट का एक्सेल है तो सिंपली इसे भी अंदर जाएंगे, इसके अंदर का कोडिंग आपको दिखा देते हैं एंड दिखाने के बाद हम लोग को इस कॉन्फिग को कैसे अप्लाई करेंगे ये बताते हैं। सिंपली यहां पे लॉन्ग प्रेस करके सिंपली इसे भी कट करेंगे, फिर जाएंगे डिवाइस मोड पे, डिवाइस मोड पे जाने के बाद एंड्रॉइड पे जाएंगे, देन एंड्रॉइड पे जाने के बाद डेटा पे जाएंगे और कॉम डिटेल फाइल को ओपन करेंगे, फिर फाइल्स को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से IL2CCP को ओपन करेंगे, देन इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे जो होता है ना ETC को ओपन करेंगे, देन ETC को ओपन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन यार पेस्ट करने के बाद फिर से जाएंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग को कुछ इस तरीके से इन तीनों कोडिंग को कुछ इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, देन यार सिलेक्ट करने के बाद लॉन्ग प्रेस करके कट करना, फिर जाना डिवाइस मोड पे, डिवाइस मोड पे जाने के बाद एंड्रॉइड पे जाएंगे, एंड्रॉइड पे जाने के बाद डेटा पे जाएंगे, देन कॉम डिटेल फाइल को ओपन करेंगे, फिर फाइल्स को ओपन करेंगे, फाइल्स को ओपन करने के बाद IL2CCP को ओपन करेंगे, इसे ओपन करने के बाद हम लोग को कॉन्फिग को कुछ इस तरीके से यहीं पे पेस्ट कर देना है, देन पेस्ट करने के बाद फिर से आएंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे, डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे वाले कॉन्फिग को कुछ इस तरह से एक्सटेंड शेयर करेंगे, देन यहां पे पासवर्ड मांगते हैं सिंपली पासवर्ड फिलअप कर देना, पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा एंड पासवर्ड डालने के बाद हम लोग का कॉन्फिग कुछ इस तरह से एक्सटेंड हो रहा है, देन ऊपर एक फाइल क्रिएट हो गया, देन उसे ओपन करेंगे एंड इसे ओपन करने के बाद हम लोग को देख सकते कुछ इस तरह से आपको कोडिंग वगैरह देखने के मिल रहा होगा, माइक्रो एमबॉट सेंसिटिविटी वगैरह का कोडिंग आपको देखने के लिए मिला एंड DPI आपको फुल DPI देखने के लिए मिला। सिंपली हम लोग को कॉन्फिग कैसे अप्लाई करना कुछ इस तरह से हम लोग सभी को कुछ इस तरह से हम लोग मार्क करके
एंड सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट करने के बाद से कुछ इस तरीके से हम लोग लॉन्ग प्रेस करके असेंबली से भी कट करेंगे। देन यार कुछ इस तरह से कट करेंगे, कट करने के बाद से जाएंगे डिवाइस मोड पे, एंड डिवाइस मोड पे जाने के बाद से कुछ इस तरह से एंड्रॉइड पे जाएंगे। फिर डेटा पे जाने के बाद से कॉम डिटेल फाइल को ओपन करेंगे, यानी ओपन करने के बाद से कुछ इस तरह से फाइल्स को ओपन करेंगे। फिर कंटेंट की कंपलसरी एंड्रॉइड गेमर्स को ओपन करने के बाद से सिंपली आप लोग का इन गेम मिलेगा। देन इन गेम को ओपन करके कुछ इस तरह से यहीं पर पेस्ट कर देना है। देन यार पेस्ट करने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ करना, फिर ऑन करना है, फिर सेंसिटिविटी आपको 100 रखना है, रेड डॉट रखना है 73। तो सुधार का लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।